वेलकम टू कम्युनिटी डिबेट। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा सादिया। कम्युनिटी के फैलाव के साथ साथ हमारी कम्युनिटी नंबर में टोरंटो के अलावा, ग्रेटर टोरंटो एरिया के अलावा और भी बहुत सी जगह फैली हुई है और बहुत सा काम हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग जिनको हम पर्दा स्क्रीन पे भी नहीं जानते, वो भी अपने तौर पे कम्युनिटी के लिए बहुत सा काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में। दो बहुत ही कम्युनिटी की अपने अपने एरिया में बहुत जानी पहचानी शख्सियात हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाबा सादिया बुखारी साहिबा, जो कि बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं और उसके साथ साथ एक्टिविस्ट हैं और कम्युनिटी के लोगों को जोड़ने, प्रोग्राम करने और उनको ऑर्गेनाइज करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। उनके साथ किचनर से हमारे साथ आज ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं फरकंदा नसरीन साहिबा, जो किचनर के इलाके में अपना कम्युनिटी का काम सर अंजाम दे रही हैं। सादिया लंदन ओंटारियो में रहती हैं लेकिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों को आज के इस शो में खुश आमदीद। सादिया, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे तो आप अपने सफ़र के बारे में कम्युनिटी की खिदमात के हवाले से क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? कम्युनिटी का मेरा सफ़र जो है वो शुरू हुआ 2002 से, जब मैं ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल सेंटर, जो अब उसका नाम है, वहाँ पे मैं लिंक इंस्ट्रक्टर थी। तो न्यू इमिग्रेंट थी, काफ़ी शाय थी, लेकिन वहाँ के डायरेक्टर को मेरे में पोटेंशियल नज़र आया। तो उन्होंने मुझे जितने भी AGM थी उनकी मैं वो होती थी, उस पर मैं ही प्रेजेंट करती थी, और जो भी कोई ड्राइव्स होती थी, टॉय ड्राइव हो गई, टैक्स से रिलेटेड कुछ हो गया, वहाँ का मैगज़ीन जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का था वो भी मैंने शुरू किया। सो जो भी होते थे कम्युनिटी फंक्शंस, वो मैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा अहम रोल था। और जैसे मैंने कहा कि AGM पे हमेशा मैं ही स्पोक्स पर्सन होती थी, मैं ही बोलती थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मेरा डेवलप हुआ कि हाँ, मैं कम्युनिटी के लिए हेल्प कर सकती हूँ। उसी दौरान मैं फर्स्ट मेरी TV अपेयरेंस हुई थी रॉजर्स पे अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमन। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड इट वॉज समवेयर 2002, दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड। और फिर वो बढ़ता चला गया। एज अ लॉयर में आई, फिर कम्युनिटी के औरतों की हेल्प करना शुरू हुई, फिर आदमियों की हेल्प करना शुरू हुई, फिर फंक्शंस ऑर्गेनाइज कराए, ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करवाई, इवन पॉलिटिकल जो कैंपेन्स है उसमें भी इन्वॉल्व हुई। तो इस तरह वो चल रहा सिलसिला। फरकंदा, आपकी तरफ आऊँगी। आप कितने अरसे से कनाडा में हैं और अपने बारे में थोड़ा सा हमें, हमारे जो नाज़रीन जो देख रहे हैं, व्यूअर्स, उनको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। हाँ जी, मैं कनाडा में 2012 से हूँ और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा एक्चुअली बेसिकली मेरा ताल्लुक स्पोर्ट्स से है। तो मैं स्पोर्ट्स में ग्रेड 4 या 5 से मैं स्पोर्ट्स में आई और फिर मेरा मतलब यही एक सिलसिला चलता रहा। मैं अपने डिवीजन की सतह पे और फिर नेशनल लेवल पे मैंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की और 1997 में मैंने 200 मीटर रेस, जो इस्लामाबाद में जो ऑल पाकिस्तान स्पोर्ट्स हुई थी, उसमें मैंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। और फिर मेरी एजुकेशन भी फिजिकल एजुकेशन में ही है। तो इसके बाद मैं 2002 में अबू धाबी चली गई। वहाँ पे मुझे वहाँ एक स्कूल में उन लोगों ने जॉब ऑफर की, क्योंकि मेरी जो अचीवमेंट थी स्पोर्ट्स की इसके तहत। और इस तरह मैंने वहाँ फिर 10-12 साल सर्व किया और वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा इवेंट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किए। और वहीं से फिर एक ऐसा सिलसिला चला कि जब मैं 2012 में इधर आई कनाडा में, तो यहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि मेरी एक कम्युनिटी जो है उसके अंदर कुछ मैं करूँ। तो मैंने फिर 2014 में एक लेडीज़ का बनाया, ग्रुप फॉर्म किया एक छोटी सी एक्टिविटी के तौर के ऊपर। हाँ जी, मैंने एक सोशल मतलब बनाया ग्रुप और उस महफिल दीन के नाम से, जो कि इस्लामिक था। और उसमें हम एवरी मंथ हम लेडीज का ग्रुप इकट्ठे होके, तो हम लोग इसमें लेक्चर्स और डिफरेंट कुरानिक और इस्लामिक हम प्रोग्राम करते थे। और माशाल्लाह 2014 से लेके अब तक ये सिलसिला जारी है। जब मैंने 2014 में इसको स्टार्ट किया तो मेरे पास 5 लेडीज थी हम, लेकिन इस टाइम हम 100 का ग्रुप बन चुका है। और मेरे इस एरिया में ये बहुत पॉपुलर है और लेडीज बहुत शौक से आती हैं एवरी मंथ। और सेकंड थिंग जो मैं करती हूँ वो ये है कि एवरी ईयर हम लोग पूरा मेरा ग्रुप मिलके हम वाटरलू पार्क में पाकिस्तान डे अरेंज करते हैं।
और बहुत जोक और शौक से आती है कम्युनिटी। इसमें बच्चे बड़े और सब हम लोग फ्लैग्स और मिली नगमे, और ये एक बहुत भरपूर प्रोग्राम होता है जो कि लास्ट ईयर वाला तो बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसमें हमने कश्मीर डे और पाकिस्तान डे को कंबाइन करके तो ये हमने प्रोग्राम किया था। सादिया, आपकी तरफ आती हूँ। आप लॉयर भी हैं और उसके साथ साथ कम्युनिटी में प्रोग्राम्स भी कर रही हैं। लंदन में अभी आपका बहुत अच्छा शो रहा जो बहुत हिट हुआ, जिसमें आपने बहुत से लोगों को जोड़ा और एक वेल अचीव्ड आपके प्रोफाइल के ऊपर वो चीज़ नज़र आती है। तो आप क्या देखती हैं, ऐसा क्यों है कि हमारी कम्युनिटी की ख़वातीन जो हैं वो मज़हब से तो जुड़ जाती हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं जाती, या वो अपने हकूक को नहीं जानती, वो अपने सोशल सिनेरियो में नहीं जाती? एज अ लॉयर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा जो व्यू है थोड़ा सा शायद डिफरेंट भी होगा, शायद कुछ लोग इसके साथ अग्री भी ना करें, लेकिन जो मैंने करीब से देखा है वो ये है कि जब देखें लंदन बहुत एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे जब मैंने शो की अनाउंसमेंट की तो सबसे ज़्यादा मुखालिफ मेरी ख़वातीन थी और मुझे बहुत अपोजिशन फेस करनी पड़ी, बिकॉज उस टाइप का शो पहली दफ़ा लंदन में हुआ था। सो इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर मी। ख़वातीन का ये है कि दे वॉन्टेड टू गेट इन्वॉल्व, लेकिन उनके ऊपर एक जो हमारा कम्युनिटी की तरफ से एक वो मेल शोविनिस्टिक थिंग कि औरत घर में बैठे औरत बाहर ना निकले, वो उनके ऊपर अभी तक बहुत इन्फ्लुएंस है क्योंकि वो कम्युनिटी थोड़ी सी बैकवर्ड है। जब उनको मैंने इन्वॉल्व किया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता उधर औरतों को इन्वॉल्व किया, दे रियली इन्जॉयड इट, दे रियली इन्जॉयड गेटिंग इन्वॉल्व। तो उनको जो मुझे समझ आती है कि दे वॉन्ट टू डू, रिलीजन की जो चीज़ है वो कुछ लोग अपने शौक से कर रहे हैं लेकिन कुछ के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट प्रेशर है कि हाँ नहीं हमने मॉस्क जाना है, हमने हिजाब ही लेना है। लेकिन अगर आप उनसे इन आइसोलेशन बात करें तो दे प्रेफर टू बी एक्टिव, दे वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी, दे वॉन्ट टू वॉलंटियर बिकॉज दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ स्टेइंग एट होम एंड जस्ट यू नो फॉलोइंग रिलीजन ब्लाइंडली वे दे डोंट इवन अंडरस्टैंड वॉट दे आर डूइंग बिकॉज इट्स काइंड ऑफ प्रेशर ऑन दैम। और वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हैं कि देखो ना अब हमारी फैमिली में हो रहा है, हस्बैंड ने कह दिया, मेरी सास क्या कहेगी, मैं मॉस्क नहीं जाऊंगी, मेरा दिल नहीं चाहता हिजाब लेने को लेकिन फिर भी मुझे फोर्स, मुझे लगता है कि मुझे लेना है। सो दीज थिंग्स, तो मुझे लगता है कि औरतें चाहती हैं कि उन वो इन्वॉल्व हों, सोशल हों, एक्टिविटीज़ में शामिल हों, मगर ये जो हमारी सोसाइटी का चल रहा है ना स्पेशली इन स्मॉलर सिटीज़ लाइक लंदन, ये बहुत ज़्यादा है। अब ब्रैम्पटन आप इस GTA में देखें, इट इज़ डिफरेंट, इट्स नॉट द सेम काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट आई सॉ इन लंदन। तो यहाँ पे औरतें जो हैं दे आर ब्रेकिंग द शेल, दे आर ब्रेकिंग द बैरियर्स एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड टू बीइंग गेटिंग एक्टिव इन द कम्युनिटी, इवन इफ इट्स जस्ट अ स्मॉल फंक्शन इन द होम और गेट टुगेदर। लंदन इज़ लाइक स्टिल इन दैट। और उनकी बातें क्या हैं, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके उसके पास इतने पैसे हैं, वो कपड़े इतने की बेच रही हैं, दिस इज़ जस्ट वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट। एंड देन उसने सर पर हिजाब नहीं लिया, उसने ले लिया, दिस इज़ द टॉक एंड दे वॉन्ट टू ब्रेक दैट बट दे आर सो स्टक इन इट। फरकंदा, आपकी तरफ आती हूँ। आप स्पोर्ट्स की, आपकी मिसाल है कि आप स्पोर्ट्स में बहुत आउटस्टैंडिंग रही हैं और आप में जब टैलेंट होता है तो वो इट नेवर स्टॉप्स, आप कोई ना कोई रास्ता आपने निकाल लिया रास्ता। लेकिन क्या आपका क्या रूटीन है, आपकी गेट टुगेदर्स कितनी दफ़ा आप करती हैं और क्या जो मर्द हजरात हैं, क्योंकि आप खवातीन सारी इकट्ठी होती हैं तो मर्द हजरात को तो बहुत एतराज़ात होते हैं, यूजुअली वो अपने 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 तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो आपका इस सिलसिले में क्या एक्सपीरियंस है अभी तक? मैंने इसका ये किया, स्केड्यूल इस तरह किया है कि मैं वीकडेज में तो हम लोग ये नहीं करते, ठीक है, मैंने ये किया ट्वाइस अ मंथ हम लोग संडे को करते हैं। तो ऑलरेडी क्योंकि मैं स्केड्यूल कर देती हूँ, जैसे कि अभी से बुकिंग मार्च तक हो चुकी है, सबको पता है जिसके घर में होना है या जिसने अरेंज करना है हमारी गैदरिंग वो ऑलरेडी ये प्लान है। तो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का कि मेरे पूरे ग्रुप में किसी भी फैमिली को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, सबके हस्बैंड्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि मैंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ लोगों को मयसर की है अपनी कम्युनिटी को कि वो मतलब कुछ ना होते हुए कुछ मतलब होने को मेरा सब बहुत थैंक यू अदा करते हैं, सब बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स बल्कि उनकी फैमिलीज और हस्बैंड भी जब मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे थैंक यू करते हैं कि आपने ये अरेंज किया है, क्योंकि मैंने इसमें सारी फैमिलीज को कहती हूँ अपने आप बच्चों को भी साथ लेके आए ताकि वो भी अपने इस माहौल में परवरिश पाएं और वो भी देखें कि मतलब किस तरह हम लोग लेक्चर्स होते हैं हमारे या हम दुरूद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बच्चे भी उस माहौल में ही ग्रो करें।
मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तो तक। आप ये सारा जो अरेंज करती हैं, स्पेशली जो आप इंडिपेंडेंस डे के हवाले से या कश्मीर डे के हवाले से, उसमें फ्लैग्स होते हैं, तो फंड्स कहाँ से आते हैं, कैसे, क्या उस सिलसिले में आप करते ये हैं? है कि मेरा पूरा ग्रुप हम अपने ओन पे करते हैं। जैसे मैं एक पूरा डिवाइड कर देती हूँ थिंग्स कि आपने फ्लैग लेके आने हैं, आपने अगर हम पॉटलक कर रहे हैं तो मेन्यू है, मैं खुद एक मेन्यू अरेंज कर देती हूँ और डिवाइड कर देती हूँ कि यू आर ब्रिंगिंग द प्लेट्स, जो आप कप्स ला रहे हैं। इस तरह हम सारे मिल के कम्युनिटी खुद अपने ओन पे कर रहे हैं, हम किसी से कोई फंड नहीं लेते और हम अपने अपनी मदद आपके तहत हम लोग ये पूरा फंक्शन अरेंज करते हैं और बड़ा सक्सेसफुली होता है ये फंक्शन एवरी ईयर। तो सादिया, आप लॉयर हैं और कम्युनिटी में ख़ास तौर पे ख़वातीन हमारी अभी बहुत सप्रेस्ड फील की जाती हैं, लेकिन बहुत से केसेस में आदमियों के ऊपर भी ख़वातीन के बहुत ज़्यादा, ये पिछले दिनों बहुत किस्सा रहा, तो आप क्या समझती हैं कि आदमी ज़्यादा अनअवेयर हो के कुछ अब्यूसिव हरकतें करते हैं या कम्युनिटी की औरतें भी अब बहुत दिलेर हैं? अच्छा, पहले मैं आदमियों की बात करती हूँ कि आदमियों का मोस्टली हमारे एथनिक कम्युनिटीज़ में बहुत होता है कि क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे आदमी के अब्यूज़ को बुरा नहीं समझा जाता, ना कोई रोक टोक है, पुलिस पे भी चले जाओ इतना कुछ नहीं होता। तो वो इस थिंकिंग के साथ आते हैं कि दैट इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल। इट टेक्स देम अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि इन कैनेडा अब्यूज़ इन एनी फॉर्म, इवन ज़ुबान से, वर्बल हो, थ्रेट हो, साइकोलॉजिकल हो, कुछ भी हो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सो कई दफ़ा आदमी बार बार चार्ज होते हैं क्योंकि एक दफ़ा वो अब्यूज़ करते हैं, फिर जेल में जाते हैं, फिर द ब्रीच द ऑर्डर, फिर जेल में जाते हैं, फिर वो रिपीट करते हैं। तो उनकी ये थिंकिंग है बेसिकली। औरतें जो हैं, औरतें, यस, मैंने देखा है कि औरतें जब अब्यूज़ करती हैं तो वो आदमी से भी कई दफ़ा ज़्यादा सिवियर होता है। वो एक रिटेलिएशन है। रिटेलिएशन क्या है कि औरत क्योंकि हमारी सोसाइटी में बर्दाश्त करती जाती करती जाती करती जाती और वो कर रही है, अभी भी कर रही है, तो अब उसको जब अवेयरनेस दी जा रही है कि नो, अब्यूज़ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इट शुड नॉट, नो बडी शुड टॉलरेट अब्यूज़, तो वो उसमें से निकलना चाह रही है। तो रिएक्शन जो है ना, अभी उसको वो अपना रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आ रहा कि मैं कहाँ बैलेंस करूँ, तो कई दफ़ा रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा, रिटेलिएशन ज़्यादा हो जाती है। एक जो प्रॉब्लम है जो मैं कहना चाहूँगी हमारे जो सुनने वाले हैं उनको, कि देखें, अगर आप, मैं औरत की बात करती हूँ, आपके हस्बैंड ने आपको अब्यूज़ किया, आपने पुलिस को कॉल कर ली, आपने उसको चार्ज करा दिया, उसके बाद आप कॉल करके लॉयर को कहते हैं कि हमने चार्ज करा लिए, अब हमने अपने चार्जेस वापस लेने हैं। दैट इज़ अ कंसिस्टेंट पैटर्न इन आवर कम्युनिटी कि आप यहाँ पे चार्जेस वापस नहीं ले सकते। आपने चार्ज कराया है, सॉरी, पुलिस को बुलाया, चार्ज तो पुलिस करी, स्टेट करी, आप नहीं करे। सो चार्जेस भी वही स्टेट ही उसको विड्रॉ कर सकती, आप नहीं कर सकते। तो सोच समझ के पुलिस को कॉल करें। एंड इन मेनी सिचुएशंस औरत वाकई अब्यूज़ हुई होती है, तो वो वही है, वो फिर उसको, फिर वो उसी शेल में चली जाती है कि अच्छा, मैं आदमी के बगैर कैसे रहूँगी, बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे। देन शी वॉन्ट्स टू रिट्रीव बैक इन टू दैट शेल। आपकी अपनी, इनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही, कोर्ट कहेगी भैया आपने कोर्ट का टाइम ज़ाय किया, आपने पुलिस का टाइम ज़ाय किया। और कई दफ़ा औरतें कहती हैं कि हम कोर्ट में ये जाके कह देते नहीं, हमने झूठा पुलिस को कॉल किया था। यू आर लूजिंग क्रेडिबिलिटी इन द आइज ऑफ कोर्ट, दोबारा आपके साथ ऐसा होगा, यू विल गेट इनटू ट्रबल। सो यस, औरतें भी काफ़ी अब्यूसिव हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द अब्यूज़ करते हैं, और जो मर्द हैं वो उनका, अब बल्कि मैं देख रही हूँ कि बिकॉज सिस्टम इज स्ट्रिक्ट, तो वो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एज दे लर्न। इट्स जस्ट दे हैव टू लर्न फर्स्ट। आप जब कुरान और हदीस के ऊपर बात करती हैं, कुरान का और दुरूद और सलाम पढ़ती हैं, तो नात खानी भी की जाती है इस सिलसिले में? जी, हम नात खानी भी करते हैं। स्पेशली जो 12 रबीउल अव्वल का मंथ आया था, इसमें तो पूरे महीने में हम नात खानी भी करते हैं, और काफी बहुत ज्यादा, इस दफा तो बहुत ज्यादा हुई कि हमें बुकिंग करना ही मुश्किल हो गई, क्योंकि एवरी वीक वीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाहिर है, आपने एक फैमिली को भी टाइम देना होता है, बच्चों को, हस्बैंड को भी टाइम देना होता है, तो एवरी वीक जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन माशाल्लाह बहुत ज्यादा हमने बारे रबीउल अव्वल के हवाले से नात खानी की बहुत ज्यादा हमने प्रोग्राम मुनक्कद किए, जो कि बहुत ज्यादा रूहानी थे और बहुत हम लोगों ने इसमें इंजॉय किया। व्यूअर्स, अभी हम गुफ्तगु कर रहे हैं सादिया बुखारी के साथ, और उनके साथ साथ फरकंदा नसरीन हमारे पास मौजूद हैं। हम इस गुफ्तगु को जारी रखेंगे, थोड़े से मसाइल को और टच करेंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। हाँ।
Pandit Vijay Ram, a famous astrologer and psychic healer. Palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijay Ram ka kehna hai, inke paas aapki tamam samasyaon ka hal hai. Kale jadu ka tod, aapka mehboob aapke kadmon mein. Aapki marriage, job, karobar, bimari aur court kachehri samet tamam samasyaon ka hal. Tamam dharmon ke behan bhaiyon ki mushkilat dur kar sakte hain. All religions welcome. Pandit Vijay Ram se raabta kijiye 647-391-2133 647-391-2133 Address 5330 Yonge Street, North York, Toronto. वेलकम बैक टू कम्युनिटी डिबेट. बात को जोड़ते हैं थोड़ा सा सिलसिला वहीं से जहां से टूटा था. तो सादिया, आप लॉयर हैं, कम्युनिटी के अंदर एक्टिविज्म करती हैं, शोज़ किए हैं आपने और बहुत जुड़ी हुई हैं डीपली कम्युनिटी के साथ. तो आप अब लेटली एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ ख़ास तौर पर कि एक तो बहुत ज़्यादा डिवीज़न है और फिर उसकी बहुत सी डिफरेंट बेसिस हैं. कुछ कास्ट के ऊपर है, कुछ रिलीजन के डिफरेंट फ़िरकों में है, तो उससे रिलेटेड अब्यूज़ होता है. तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? अच्छा, एक तो ये कि जो डेफिनेटली देयर इज अ डिवीज़न, अब्यूज़ की भी बात करूँगी और एक मैं ये जो निकाह मैरिज जो करते हैं उस बारे में भी बात करूँगी. कुछ मैं किसी कम्युनिटी को पॉइंट आउट नहीं कर रही और ये मेरे व्यूज़ अपने नहीं है, ये वो हैं जो मेरे ऑफिस में या वैसे मैंने कम्युनिटी में सुने हैं. वो ये कि जी इस्लाम कहता है कि आदमी जो है वो औरत को मार सकता है, इसमें कोई हर्ट नहीं. इस्लाम ने कहा है कि अगर औरत को डिवोर्स दे दी है इस्लामिकली, एक दफ़ा कह दिया, तीन दफ़ा कह दिया, वो डिवोर्स हो गई है. ठीक है, अब ये चीज़ें जब मेरे पास आती, फ़र्स्ट ऑफ ऑल दे मैं नहीं समझती कि कोई रिलीजन ऐसी बात कर सकता है कि आप औरत को अब्यूज़ करें या किसी को अब्यूज़ करें, दैट इज़ एक्सेप्टेबल. नो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. अब आदमी आया मेरे पास ऑफिस में, वो कहेगा जी वो मैंने बीवी को इसलिए मारा था, वो तो हमारा इस्लाम कहता है कि बीवी को मार लो, हालांकि इस्लाम बिल्कुल भी ये बात नहीं कहता. तो फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि देखो, यू नो वॉट, यहाँ पर हम एक सर्टन लॉ को फॉलो करें. मैं लॉयर हूँ, मैं लॉ की बात करूँगी. आप ये एक दूसरा जो इशू है जो मैं साथ कनेक्ट करूँगी वो ये कि इस्लाम में तीन शादियाँ अलाउड हैं. उनको रीज़न नहीं एक्सप्लेन करेंगे, बस ये तीन बीवियाँ रखनी है. अब क्या है, कनाडा है तो फिर क्या है? तो हम जाके निकाह पढ़ा लेंगे, मौलवी इज़ इन्वॉल्व, निकाह पढ़ा देंगे, उसको रजिस्टर नहीं कराएंगे. दिस इज़ लिसनर्स एंड व्यूअर्स, इट्स अ क्राइम ऑफ बिगमी इन कनाडा. आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते. अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाम ये कहता है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन कैनेडा, वी आर लिविंग इन कैनेडा. ओके, इफ़ इट्स अ मुस्लिम कंट्री ठीक है, वहाँ एक्सेप्टेबल है. इधर आप करेंगे और जो मौलवी भी ये पढ़ा रहा है और उसको रजिस्टर नहीं कर रहा, दैट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस इन कैनेडा. तो ये कि हमने निकाह पढ़ा लिया, रजिस्टर नहीं किया, आप पहले एक अपनी वाइफ से तलाक लेंगे, प्रॉपर कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, फिर आप अगला निकाह पढ़ा सकते हैं. और ये कम्युनिटी इस चीज़ को इनकरेज कर रही है. कम्युनिटी मेंबर्स बैठे होते हैं मॉस्क में, शादियां हो रही हैं, निकाह पढ़ाया जा रहा है, दूसरी बीवी घर में बैठी हुई है और निकाह रजिस्टर नहीं हो रहा. नॉन रजिस्ट्रेशन इज़ आल्सो अ क्राइम. सो दिस इज़ एन इशू. ये अब्यूज़ से ज़्यादा ये एक बहुत इशू मैं फेस करती हूँ. और अब्यूज़ ये कि हाँ जी वो तो हमें कह दिया, मौलवी साहब से बात की थी तो वो कह दिया, मौलवी साहब ने कहा नहीं बीवी के साथ सख्ती करनी चाहिए तो हमने तो वो फॉलो किया. इधर मौलवी साहब अगर आपको गलत एडवाइस देंगे तो मौलवी साहब भी जेल में चले जाएंगे. इसलिए मौलवी साहब शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन गिविंग दिस काइंड ऑफ एडवाइस व्हिच वायलेट्स द लॉ ऑफ द स्टेट. इसका मतलब है कि कानून का जानना और सही मशवरा लेना बहुत जरूरी है. और अगर कोई आपको गलत मशवरा दे रहा है वो भी जेल में जा सकता है, क्योंकि वी आर फॉलोइंग दिस लॉ ऑफ द स्टेट, वी आर इन कैनेडा, सो वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कैनेडा. जी फरखंदा, आप जब दुरूद और सलाम करते हैं, आप बैठते हैं तो आप डोनेशंस इकट्ठे करते हैं, आप कोई हेल्प करते हैं कम्युनिटी की, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में गुर्बत भी बहुत बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा नीडी लोग भी होते हैं, तो आप कैसे करते हैं इसके इस सिलसिले में फंड रेजिंग कैसे करते हैं? इसमें ये है कि हम लोग, क्योंकि मोस्टली हम रमज़ान में ज़कात और ये फतराना और ये सब हम इकट्ठा करते हैं और पाकिस्तान में जो नीडी फैमिलीज हैं उनको हम भेजते हैं. जैसे कि मैं लास्ट आपको जो रमज़ान है इसकी मिसाल दूं कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि उनके कोई बहुत करीबी रिलेटिव्स है जिनके घर में आज खाने के लिए भी कुछ नहीं है. यकीन करें मुझे रात को मैसेज आया है, मैंने उसी टाइम अपने ग्रुप में इसको अपडेट किया
किया और मेरे ग्रुप ने बहुत हेल्प की और हम लोगों ने इकट्ठा करके उनके पास भेजा और मुझे ये 2-3 महीने पहले पता चला है कि उन्होंने उस पैसे से छोटा सा जो कोई कमरा था उसको उन्होंने रेडी करके किराए पे दिया और अब उनको मंथली थोड़े से आ जाते हैं पैसे। तो हम इस तरह से गरीबों की हेल्प करते हैं जो कोई नीडी फैमिलीज होती हैं और किसी को कोई फीस अदा करनी होती है या कुछ भी किसी टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम मिलके फिर हमारा ग्रुप जो है उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो बैक होम में आप कहाँ भेजती हैं? बैक होम में आपके रिलेटिव्स का सिस्टम है, आप क्या सिस्टम है जिसके जिस पे आप भेजती हैं? क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं अगर वो कांटेक्ट करना चाहें, अगर वो डोनेशंस देना चाहें, या बहुत से लोग ऐसे यहाँ हैं जो ये सोचते हैं कि हम हेल्प करें, तो आप जरा खुल के बताइए कि आप किन के आपका क्या सिस्टम है? उसमें सिस्टम ये है कि हम ई ट्रांसफर ही करते हैं। जैसे वहाँ जिसने मुझे कहा होता है, मेरी फ्रेंड ने, यहीं पे मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो बताती हैं कि वहाँ पे हमारा कोई नीडी है या वहाँ से मेरी सिस्टर है या कोई रिलेटिव्स हैं या कोई फैमिली मेंबर या कोई जानने वाले बताते हैं, तो हम ई ट्रांसफर या किसी भी इसके थ्रू हम लोग वहाँ पैसे भिजवाते हैं। और ज़्यादातर हम वैसे रमज़ान में ही सदका और फतराना और इस टाइप का हम भिजवाते हैं जी। ये हमारा आप कम्युनिटी के लॉ को डील करती हैं, तो आप क्या समझती हैं कितने अवेयर हैं लोग अपने राइट्स के बारे में, कितनी अवेयरनेस है और अभी भी किस किस्म का काम करने की ज़रूरत है कि लोगों में वो अवेयरनेस आए कि उनको कितनी प्रोटेक्शन कनेडियन राइट कनेडियन चार्टर जो है वो देता है और कहाँ कहाँ वो चैलेंज कर सकती हैं अगर उनके साथ कोई ज्यादती है? देखिए, अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी में बहुत कम है और जहाँ थोड़ी बहुत अवेयरनेस है भी वहाँ पे उस अवेयरनेस को जो कंट्रोलिंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी हैं वो पीछे कर लेते हैं ताकि वो औरत जो है उसको उस चीज़ में रखते हैं हर वक्त। अब मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली मेरी किसी से मुलाकात हुई है और अपेरेंटली वेरी हैप्पी, ठीक है, लेकिन ना हस्बैंड ने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ना फ़ोन उसके नाम है, ना कार उसके नाम है, ना घर उसके नाम है। तो she knows the rights but she just because she wants to save the marriage she's living in there, matlab kitni majbooriyan hain। to awareness jahan thodi bahut hai bhi wahan bhi pressure ke andar koi exercise nahi kar pa raha apne rights aur baki jagah hai hi nahi। to ye hame auraton ko nikalna chahiye, औरतों का अवेयरनेस कम्युनिटी में देनी चाहिए और जो दे रहा है उसको सपोर्ट करें, अपोज ना करें। लेकिन बच्चे किस हद तक इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपके बहुत बड़ा एसेट होते हैं, आपका फ्यूचर का बहुत बड़ा आपकी जो कल्टीवेशन है। और हम बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए इमिग्रेंट्स माइग्रेट करके आते हैं कि स्पेशली कैनेडियंस में वो किसी भी वो उसके हों, दे वॉन्ट टू सी बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन, वेदर दे बिलोंग टू यूरोपियन कम्युनिटी, वेदर दे आर फ्रॉम अमेरिका, वेदर दे आर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वेर एवर दे आर फ्रॉम, द यूनाइटिंग फोर्सेज, वी वॉन्ट टू सी अ बेटर फ्यूचर फॉर आर चिल्ड्रन। सो वॉट डू यू सी, हाउ मच दे कैन ब्रिज बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑल दोज इशूज? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ का लॉ भी ये कहता है कि बच्चों को किसी भी सूरत पता भी नहीं चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। इट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इवन बच्चा 18 साल का भी हो जाता है, 18 साल तक उसको पता चलना शुरू हो जाता है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट नो कम्युनिकेशन ऑफ एनी सॉर्ट रिगार्डिंग दिस इज डन विद द किड्स। सो बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना। और कभी कोर्ट को, फॉर एग्जाम्पल यंगर छोटे लेवल पर, जैसे बच्चा 6-7 साल का है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि एक पेरेंट जो है उससे बात कर रही है जिससे बच्चे के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो कोर्ट कैन इन्वॉल्व ऑफिस ऑफ द चिल्ड्रंस लॉयर और that will be considered negative। ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे कस्टडी चेंज कर दी गई है, अगर माँ ने या बाप ने जो है बच्चे को कोर्ट के केस के बारे में बताया है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक पेरेंट के खिलाफ किया है, तो that। लेकिन हमारी कम्युनिटी में तो बहुत फ़र्क है ना असूल, क्या आप समझती हैं कि हमारी कम्युनिटी इसको फॉलो करती है? क्योंकि हमारी कम्युनिटी में तो बच्चों को हर चीज़ बच्चे तो वो कहते हैं कि एक साथ आपके बैठ, लाइक इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू। तो व्हाट डू यू थिंक, बच्चों को पता चल रहा है? एज लॉयर मैं तो हमेशा उनको एडवाइस करती हूँ कि मत बताएं, लेकिन बच्चे खुद भी समझदार हैं, कुछ उन्हें नज़र आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगी बच्चों को ना इन्वॉल्व करें। आप कह रहे हैं कि बच्चे यूनाइटिंग फोर्स हो सकते हैं, येस इन सम सिचुएशन, बट इन मोस्ट सिचुएशन व्हाट आई हैव सीन इज कि जब हस्बैंड वाइफ की फाइट हो जाती है वो बच्चे को यूज़ करते हैं, दे जस्ट यूज किड्स टू गेट ऑर्डर्स इन देयर फेवर। सो बच्चे बेचारे बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं वो, बिकॉज दे यूज़ द कोर्ट एज रिवेंज सीकिंग मैकेनिज्म कि उसने ये किया तो मैं ये करूँगा, उसने ये किया मैं ये करूँगा। अभी कुछ महीने पहले की बात है, जो फादर जो है बच्ची की बर्थडे थी एक्सेस के लिए लेके गया और देन ही किल्ड द चाइल्ड और खुद अपने आप को भी उसने मारा एंड देन ही वॉज ड्राइविंग ऑन द रोड।
सो पुलिस ने उसको कैच किया और उसके बाद ही डाइड. सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ द फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज जो भी प्रॉब्लम पेरेंट में हो रही हैं, द किड्स आर बिकमिंग विक्टम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच शुड नॉट हैपन. तो फरकंदा, आपके अब क्या प्लान्स हैं? आप अपने आप को कहाँ देखती हैं कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं? फ्यूचर में मैं अपने ग्रुप को और ज़्यादा ग्रो करना चाहती हूँ, जो कि 100 तक पहुँच चुका है, और मैं मतलब और हाई लेवल पे मैं इसको लेके जाना चाहती हूँ, और मैं और ज़्यादा इस्लामिक प्रोग्राम करवाना चाहती हूँ इस्लामिक के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दूसरे भी मेरे प्रोग्राम्स हैं जो कि हम पार्क्स से लेके अब हम आगे कम्युनिटी को और ज़्यादा मैं इन्वॉल्व करके इसको और ज़्यादा मैं प्रोग्राम्स करना चाहती हूँ, ताकि मेरी कम्युनिटी को और ज़्यादा मौके मिले, हमारी कम्युनिटी को, लेडीज़ को, बच्चों को, फैमिलीज़ को, ताकि वो अपने हमारे जो है प्रोग्राम्स कल्चरल इस्लामिक और हम सारे मिलके उसको आगे लेके प्रोग्राम्स को हम करें और ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम अरेंज करें अपनी कम्युनिटी के लिए. सादिया, आपका फ्यूचर, आपका प्लान और आपकी कंट्रीब्यूशन, क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं? कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस. अभी मैं टोरंटो 360 पे एवरी वीक प्रोग्राम कर रही हूँ, जिसमें मैं लीगल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ लोगों को, और साथ साथ मैं प्रोफेसर भी हूँ. उसके थ्रू भी मैं अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग के अलावा मैं इन इश्यूज़ पे एजुकेट रेगुलर करती हूँ, कि एथिक्स फॉर एग्जांपल मैं बीए की क्लासेस बीओनएस भी पढ़ाती हूँ, पुलिस फाउंडेशन भी पढ़ाती हूँ, और जो प्रॉब्लम्स मैं पुलिस में देखती हूँ आई शेयर विद देम एंड आई टेल देम दैट दे आर द माउथ पीस ऑफ द सोसाइटी. सो उस तरह की काउंसलिंग भी मैं उनके साथ कर रही हूँ. इसके अलावा मेरा जो PhD का थीसिस है वो भी वायलेंस अगेंस्ट वुमन पे है, इंडिजिनस वुमन के ऊपर. तो उसके थ्रू भी मैं अपनी राइटिंग के थ्रू भी एजुकेशन कर रही हूँ, कॉन्फ्रेंसेज मैं इस इश्यूज पे अटेंड कर रही हूँ, प्लस मैं कम्युनिटी में अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ. सो आई एम मीटिंग पीपल एंड ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस, और कॉन्फिडेंशियल तरीके से भी जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, वन ऑन वन भी मैं अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ. तो अगर मेरी वजह से कोई कम्युनिटी में पॉजिटिव चेंज आ जाए तो आई थिंक आई वुड हैव डन और अचीव समथिंग रियली गुड. आप दोनों ख्वातीन का आज के इस प्रोग्राम में आने का और अपने व्यूज और अपने काम को शेयर करने का बहुत शुक्रिया. थैंक यू. व्यूअर्स, कम्युनिटी बढ़ रही है, ये एक खुशाइन बात है. ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं, काम की मैसिव ज़रूरत है. कैनेडियन सोसाइटी में आपके अपने लोगों को आपके डोनेशंस की बहुत ज़रूरत है. प्लीज़ उनके लिए काम कीजिए, अपने राइट्स को जानिए. आपको इस रियासत ने जिसका नाम कनाडा है, इसने बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, ख़ास तौर पे औरतों को बहुत से राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं. बच्चे आपका एक बहुत बड़ा एसेट हैं, आपका फ्यूचर है, इन पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका कल हैं. कम्युनिटी के काम करते रहिए, कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहिए, और कोशिश कीजिए कि आप एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर साबित हों. इन सब अल्फाज के साथ आज का मेरा ये शो देखने का बहुत शुक्रिया.